रिक्वेस्ट श्री अरविंद अग्रवाल सर कि विश्व वन्य प्राणी दिवस जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और राष्ट्रीय कक्षा की उसकी उजवणी उन्होंने केवल गुजरात में नहीं लेकिन सासनगीर में इसको मनाने का नक्की किया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और मैं केंद्रीय मंत्री को आभार प्रकट करता हूँ। आज का जो विषय है बिग कैट्स प्रेडेटर्स अंडर थ्रेट, इस संदर्भ में मैं गिर की थोड़ी विशेषता आपको बताना चाहूंगा कि गिर में कैसे यहाँ के स्थानिक लोगों ने, आसपास के जिलों के लोगों ने कैसे लायन को, शेर को अपने जनजीवन में अपना लिया है और कैसे उनका इन्होंने उनके साथ संकलन करके और खास उनको अपने परिवार के सभ्यता के रूप में लोग रखते हैं। इसके कारण हालांकि 1920 से आज तक जहां केवल 18 सिंह बचे थे, आज उसकी संख्या लगभग 650 हो गई है। मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस साल के बजट में प्रोजेक्ट लायन के रूप में खास एक जाहिरात की है और प्रोजेक्ट लायन के बारे में मुख्यमंत्री जी हमें बताएंगे। उन्होंने विशेष रूप से जाहिरात करके जिस तरह केंद्र सरकार प्रोजेक्ट टाइगर को अमल कर रही है पूरे देश में, गुजरात में मुख्यमंत्री जी ने पहल करके सबसे पहली बार प्रोजेक्ट लायन की बजट में जाहिरात की है। मैं आपका आभार मानता हूँ। आपके सामने रजू करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव। यह जरूरी नहीं है कि जो सबसे सक्षम, सबसे मजबूत प्राणी है वही सबसे लंबा, उसकी सृष्टि सबसे लंबी होगी। और यही कारण है कि लायन और मनुष्य दोनों ने एक दूसरे को इतने नजदीक से ढाल रखा है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो एशियाटिक लायन है वो केवल गिर में पाया जाता है। इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल पार्क और सेंचुरी के अलावा कल हमने माननीय मंत्री श्री को ब्रीफिंग की थी कि अब ये अमरेली जिले में और वेलावर पर जाते हुए रास्ते में लायन का परिवार का पूरा झुंड, उसका उसकी प्राइड, बच्चों के साथ नर मादा सब लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। कोई उनको छेड़ता नहीं है। सारी ट्रकें, बसें, वाहन रुक जाते हैं जब तक वो शेर अपने आप वहां से हट न जाए।